इसके बाद हमारा कौन सा रेशियो है बच्चों, बताओ, डेट इक्विटी रेशियो। कौन सा रेशियो है? सोल्वेंसी रेशियो इनको बोल देते हैं, या हम इनको लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो भी बोल सकते हैं। इसमें पहला रेशियो कौन सा है? डेट। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो वो है जो हमारी ये बताते हैं कि जो फर्म ने डेट्स ले रखा है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, क्या हम उन्हें टाइम से पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या हमारी कैपेबिलिटी है उन्हें टाइम से पे करने की, मतलब क्या पोजीशन है हमारी एक तरीके से। तो इस रेशियो में डिफरेंट थिंग्स लॉन्ग टर्म चीज़ों के साथ क्या करा जाता है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है। जैसे कि डेट इक्विटी रेशियो है तो इसके अंदर हम चार रेशियो पढ़ते हैं बेसिकली। एक डेट इक्विटी रेशियो पढ़ते हैं, और एक कौन सा रेशियो पढ़ते हैं, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, और एक प्रोप्राइटरी रेशियो, और एक कौन सा रेशियो हमारा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बताइए डेट इक्विटी रेशियो कैसे निकलता है? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट्स क्या होता है बताओ सारे बच्चे? डेट्स आपको पता है एल प्लस एल। एल से क्या बनता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। दूसरे एल से क्या बनता है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। या फिर हम टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में से हम क्या घटा सकते हैं, इक्विटी माइनस कर देंगे, तो अभी हमें क्या मिल जाता है, डेट मिल जाता है। तो यहाँ पर डेट देखो सारे बच्चे, डेट बराबर क्या है, एल प्लस एल दिख रहा है बच्चों, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जहाँ पर डिबेंचर, मॉर्गेज, पब्लिक डिपॉजिट्स किसका पार्ट है आप लोगों के, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी का मतलब क्या होता है, मालिकों का पैसा, और मालिकों का पैसा कैसे निकलता है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये आ गया सिंथेसिस की बात है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। या फिर हम कैसे भी निकाल सकते हैं, ये है कैपिटल एम्प्लॉयड, टेंजिबल एसेट्स प्लस इनटेंजिबल एसेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ट्रेड वाली प्लस लॉन्ग टर्म, तो ये हमारा क्या हो जाता है बेसिकली, प्लस वर्किंग कैपिटल। तो ये जो नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या बनती है हमारी, क्या कैपिटल एम्प्लॉयड, समझाया था आप लोगों को, बिजनेस में लगा हुआ कुल पैसा, वो भी लॉन्ग पीरियड के लिए, और इसमें से माइनस कर देते हैं डेट्स, माइनस क्या कर देते हैं, डेट्स। डेट्स क्या है आपका, एल प्लस एल, समझ में आ गया। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर हम डेट्स घटा देंगे, अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, हमें मालिकों का पैसा मिल जाएगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल आप सब बच्चों को पता है क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इसका आइडियल रेशियो क्या माना जाता है, 2:1। इसका मतलब है कि आपके डेट्स ट्वाइस तक होंगे तो चलेगा, अगर दो से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि भाई साहब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क ज़्यादा है, आपने जो है, मतलब क्या बोलते हैं कि लेंडर्स का रिस्क ज़्यादा है, कंपनी जो है ज़्यादातर पैसा कहाँ से चल रही है, कंपनी लोन लेकर ही काम चला रही है, ठीक है बच्चों। सारी बातें बहुत डिटेल में समझा रखी है, इसको भी आप डेली बेसिस पे पढ़ लिया करो। दिस रेशियो एसेस द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन एंड साउंडनेस ऑफ द एंटरप्राइज, इन जनरल लोअर द डेट टू इक्विटी रेशियो, हायर द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन एंजॉय। तो जितना डेट इक्विटी रेशियो कम रहेगा, उतना ही हमारे लेंडर के पास सिक्योरिटी ज़्यादा रहेगी। टोटल एसेट टू डेट रेशियो क्या इंडिकेट करता है बताओ सारे बच्चे? बेटा हम लोग टीएस ग्रेवाल बुक यूज कर रहे हैं, समरी शीट है पेज नंबर 4.91 पर। टोटल एसेट टू डेट रेशियो क्या होता है? टोटल एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स। टोटल एसेट्स आप सब बच्चों को पता है कैसे निकलती है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट्स में सब कुछ ले लीजिए, टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, करंट, तो सब कुछ ही ले रखा है बेसिकली। डेट्स की जब हम बात करते हैं तो डेट्स के अंदर क्या आ रहा है बताओ सारे बच्चे? एल प्लस एल, ये रेशियो इंडिकेट करता है कि मेरी डेट्स की कंपैरिजन में मेरी टोटल एसेट्स कितनी है, जितना ज़्यादा है उतना ही बढ़िया है। चलो जी सर आगे की चर्चा करते हैं। प्रॉपर्टी रेशियो, व्हाट इज प्रॉपर्टी रेशियो? शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। सर ये हमें याद कैसे होंगे? याद ऐसे होंगे जैसे मैं करवा रहा हूँ, डेली बेसिस पे इसको 10 मिनट पढ़ना है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसको कभी याद नहीं होंगे, दो से तीन बार मैं आपको ऑलरेडी पहले भी करा चुका हूँ। प्रॉपर्टी रेशियो क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट। तो शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है? इक्विटी। इक्विटी को ही हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। कैसे निकलता है आपका? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्या घटा दीजिए? डेट्स। बोलो बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड में से डेट्स घटा दोगे, टोटल डेट तो भी आपको मिले। तो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल प्लस टोटल एसेट्स एट द सेम, ठीक है, प्योर रेशियो। इसके बाद है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। रिजाई वाला एग्जांपल दिया था आप लोगों को, बोलो वी हैव टू कवर, हमें किसको कवर करना है? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स को हम कवर करेंगे, किसके थ्रू हम कवर करेंगे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी कि ऊपर क्या होगा, हमारे पास इतना सफिशियंट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होना चाहिए जिससे कि हम इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स को पूरा कवर कर सके और बच भी जाए, क्योंकि जब ये सब कवर होगा तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, टैक्स देंगे, और टैक्स देने के बाद तभी फिर क्या होगा, इंटरेस्ट वगैरह भी पे करा, इंटरेस्ट दिया जाएगा, टैक्स दिया, और बाद में कहीं डिविडेंड दिया जाएगा।
आपको मैंने एग्जांपल दिया था, अगर रजाई आपकी बॉडी के साइज की हो जाए तो आप लोग ठंड में मर जाओगे। रजाई का साइज क्या होना चाहिए, आपकी बॉडी की साइज से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अरे बोलो यार, तभी तो आपको ठंड नहीं लगती है। फिर ये इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया, समझाया था। तो दिस रेशियो इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द इंटरेस्ट चार्जेज आज कवर्ड बाय द प्रॉफिट्स अवेलेबिलिटी टू पे इंटरेस्ट। हायर द रेशियो मीन्स सिक्योरिटी फॉर द लैंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट। आ गई बात समझ? जी सर, ये बात हमें समझ में आ गई है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी रेशियोज़।